हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाइसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह जैसा कि बच्चों हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीरीज चल रही है, जिसका आज वीडियो नंबर 7 आने वाला है आपके पास। यहाँ पे बच्चों हम इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है या डिक्रीज कब कर रहा है। देखो, बायोग्राफिकली देख के बताना तो बहुत आसान है कि अगर सपोज अपसाइड ग्राफ जा रहा है तो सर वो इंक्रीज कर रहा है, डाउनसाइड ग्राफ आ रहा है तो सर वो डिक्रीज कर रहा है, ये बता पाना आसान है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कोई इंटरवल देता हूँ और बिना ग्राफ के एक फंक्शन दे दिया है, इंटरवल दे दिया है कुछ तो भी, और मैं बोल दूं वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बताओ। या वो इंक्रीज कब कर रहा है, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। जैसे एग्जांपल बच्चों, चलो एक ग्राफ से ही समझते हैं। सपोज मैंने आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया बच्चों, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है सपोज। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो अब ये कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पे हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, देन वो कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एफ डैश जीरो होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा। ये पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा। इस लाइन का डेरिवेटिव देखो जीरो दिखेगा क्योंकि ये टेंजेंट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और फिर वो ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, देन एक पॉइंट पे आने के बाद ये रुकेगा और फिर वो इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिक्रीज कर। तो बच्चों अगर मान लीजिए किसी पॉइंट, किसी इंटरवल में या कहीं से लेके कहीं तक वो पूछेगा कि भाई ये इंक्रीज कर रहा है तो ठीक है, किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक के बीच में इंक्रीज कर रहा है, ये बताओ। तो ये सारा काम हमको यहाँ पे सीखना है कि हमारा जो भी फंक्शन है वो ग्राफ में कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा, कहां डिक्रीज करेगा, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो किस वैल्यू के बीच इंक्रीज कर रहा है या परमानेंटली इंक्रीज कर रहा है, कैसा है, वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड वन ऑफ द इजिएस्ट कंसेप्ट है बच्चों, बहुत आसान है जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। यू लिटरली फील कि सर इससे सिंपल शायद ही कुछ हो सकता है, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट तो है भाई, जेई से भी एंड आपके बोर्ड से भी, सीईटी से भी, नॉट जेई की बात नहीं करते, सीईटी और बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सो चलिए समझते हैं बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पहले। तो देखिए आपको खाली दो बातें याद रखनी है। मान लीजिए बच्चों मैंने आपके सामने एक फंक्शन रख दिया एफ ऑफ एक्स, ये आपके सामने एक फंक्शन है, आपको खाली चेक करना है ये इंक्रीज कब करेगा डिक्रीज। तो बस आपको दो बातें याद रखनी है बच्चों। मान लीजिए आपने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो पहला काम भाई आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है। और अगर वो डेरिवेटिव जीरो से बड़ा या उसके बराबर आ गया, यानी कि जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, आप खट से बोल दो कि सर वो इंक्रीजिंग है। कैसा है बच्चों? इंक्रीजिंग। आंख बंद करके बस खट से मारो, इंक्रीजिंग। खाली ये देखना है कि उसका डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिए डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर एंड इक्वल। और जिस दिन वही सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही बार डेरिवेटिव करना है, जिस दिन वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया बच्चों, आप इसको डिक्रीजिंग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिक्रीजिंग। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है सर यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कि सर ये इक्वल टू तो दोनों में आ गया, फर्स्ट में भी आ गया एंड सेकंड में भी आ गया, तो हम कब एग्जैक्टली ये इक्वल टू का कंसेप्ट क्या है? देखो बच्चों इक्वल टू जीरो ना वो कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है कि मान लीजिए ग्राफ इस तरीके का है बच्चों। सपोज आपका ग्राफ जो है ना, मैंने ये ऐसा बना लिया, ये हमारा ग्राफ है सपोज। तो अब यहाँ हो क्या रहा है ना, इस ग्राफ को एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो कि सर कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा ग्राफ जो है वो एकदम स्ट्रेट है, ना तो इंक्रीज कर रहा है बच्चों ना तो डिक्रीज कर रहा है, इतने पोजीशन पे यहां से यहां तक। लेकिन बाकी केसेस में आप देखेंगे तो ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वे में है, यानी कि इंक्रीज करते जा रहा है। तो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे जीरो आ रहा है, पर इससे मैं नहीं बोल सकता कि मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग नहीं है, यानी कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, वो इंक्रीजिंग है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स पे हो सकता है कि वो जीरो हो, बट पूरे प्लेन पे नहीं। अगर मान लो आपने डेरिवेटिव किया और केवल जीरो आ रहा है, केवल जीरो, तो बच्चों जीरो पता है किसका डेरिवेटिव होता है? कॉन्स्टेंट का। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? अगर ये आपका एक्स है और वाई एक्सिस है तो कांस्टेंट का ग्राफ इस तरीके से होता है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। तो इस पे हमको नहीं स्टडी करना है, वैसे भी इतना डेप्थ में हमारे बोर्ड्स पे है नहीं, तो यहाँ जाके बातें करनी ही नहीं है हमको। हमको बातें केवल दो बातें याद रखनी है, इंक्रीज कब? जब ग्रेटर इक्वल। डिक्रीज कब? जब लेस इक्वल। खत्म। इतना याद रखो। मैं अभी देखना सवाल उड़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको फील आएगा कि सवालों में दम ही नहीं है। खाली दो कंसेप्ट क्लियर रखिए कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो इंक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू जीरो है तो वो डिक्रीजिंग है, दैट्स इट। एक शब्द और ऐड होता है कहीं कहीं पे, स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली शब्द से आपको खुद समझ में आता है, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होगा बच्चों? कि वो इक्वल वाला काम नहीं, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया कि नहीं भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। स्ट्रिक्टली का मतलब वो जीरो से बड़ा ही है,
इक्वल वाला खेल नहीं आएगा, जहां पे स्ट्रिक्टली शब्द आ जाएगा, जहां स्ट्रिक्टली नहीं है तो वो ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल, ये दो चीजें बस इतनी याद रखो। इतने में आपको अभी मैं सवाल उड़ाते हुए दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। सो बस इतना सा याद रखना है और इतने में हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो जाएगा। 2 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से, और 4 मार्क का मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले इसमें हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को कवर करेंगे पूरा। सो बच्चों आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हुआ होगा। तो कंसेप्ट में आपको ये सब हटा देना है, ये सब फालतू की बातें हैं बच्चों, ये हमारे काम नहीं आना है। हमारे काम खाली ये 2 बातें और ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों सवालों की, सवालों पे आते हैं आप सीधे। मैक्सिमम मिनिमम विल सी लेटर ऑन, हम सीधे एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। इट्स 2.4 बच्चों, हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इस एक्सरसाइज के साथ साथ हम चैप्टर भी उड़ा देंगे, लेकिन 2 वीडियो कम से कम लगेंगे, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो चलिए बच्चों क्वेश्चन की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको पूरा पूरा चीजें जो है वो क्लियर हो, ठीक है। So, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको खाली ये बताना है कि गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो 2 बातें बच्चों देखो, हमको चेक करना है कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो इंक्रीज, लेस 0 के इक्वल आया तो डिक्रीज। बस ये 2 बातें याद रखिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सो पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स आपके सामने दे रखा है बच्चों। डेरिवेटिव करना एकदम बच्चों का खेल है, चिंदी सा फंक्शन है। सो जस्ट डिफरेंशिएट, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज 3x² - 12x + 12। एकदम चिंदी था, एक लाइन में डेरिवेटिव हो गया बच्चों। क्या हो रहा है देखो अच्छे से, एक्स क्यूब का 3 नीचे आएगा, इट इज 3x², 6x² 2 नीचे आया 12x, और यहाँ पे x का 1 हुआ तो 12। अब अगर मैं अच्छे से देखूँ तो बच्चों इसमें 3 कॉमन है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x² - 4x + अब ये आ गया मुझे फाइनल आउटपुट, ये मेरा डेरिवेटिव। अब दिक्कत ये कि सर ये पता कैसे चले कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है। तो सर एक ही तरीका है कि x की वैल्यू रख रख के चेक करो। देखो 0 से बड़ा और छोटा कैसे पता चलेगा, यहाँ एक वेरिएबल x, वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1 -2 -3 -4, एक्स कैन बी एनीथिंग, इट्स अ रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, पॉइंट में रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, माइनस इनफिनिटी तक रख सकते हैं। तो अब सब रख के चेक करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कैसे चेक करें, हर एक वैल्यू पॉइंट रख रख के कैसे देखें कि ये 0 से बड़ा देता है आंसर या 0 से छोटा देता है आंसर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है ये बता पाना कि ये 0 से बड़ा देगा या हर वैल्यू के लिए 0 से छोटा। तो हमको कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स ढूंढे, कुछ ना कुछ ऐसा सोचे जिससे हमारा काम आसान हो सके। तो देखो ज्यादा नहीं सोचना है आपको, हमेशा ट्राई करना है स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने के। आप खाली ये सोचो क्या ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका हाँ, कि सर ये किसका स्क्वायर है, x - 2 का। आप अच्छे से ओपन करके देख लो बच्चों, खुद सोचो a - b का स्क्वायर जिस दिन ओपन करोगे वो होगा a² - 2ab + b², 2 का स्क्वायर 4 होता है, 100% इसका स्क्वायर यही होता है। और जिस दिन बच्चों ये स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, आप फील ले लेना, अब यहां से x - 2 का स्क्वायर लिखा है, अपने को पता है धरती पे कोई भी नंबर कोई भी टर्म हो उसका स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना अगर किसी भी चीज का कोई भी, ये डब्बा है डब्बे का स्क्वायर, तो इस डब्बा इज पॉजिटिव, ये डब्बा इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सर यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव 3 इज पॉजिटिव नंबर, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस है उसके साथ, so positive into positive is always positive, कोई दिक्कत ही नहीं है। so sir this is greater than equal to 0, so therefore f dash of x क्या मिल गया बच्चों मुझे, greater than equal to 0। अगर greater than equal to 0 है so therefore function is increasing। at all points, सारे points पे increasing है बच्चों। x को आप कुछ भी रखो क्या फर्क पड़ना है, आप माइनस में भी ले लो। देखो जैसे आप एग्जाम्पल के लिए 0 रखो, 0 रखोगे यू विल गेट -2 - 2 का स्क्वायर इज पॉजिटिव 4। 1 रखो, 1 - 2 इज -1 - 1 का स्क्वायर इज अगेन पॉजिटिव। -1 रखो, इट इज -3 - 3 का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव। हर बार पॉजिटिव मिलेगा तो फंक्शन बच्चों इंक्रीजिंग हो गया, कहानी खत्म। दैट्स इट, इतना ही इंक्रीजिंग है या नहीं चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी सीधे थर्ड पे पहुंच गए लगता है। सो योर फंक्शन इज बच्चों, फंक्शन हमारे सामने है, सो हम फटाक से इसको इलेबरेट करते हैं। चलो पहले तो हम एफ डैश निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव तो बच्चों कॉन्स्टेंट है 0, इट इज -3 + 6x - 3x². सो अब आप अगर ध्यान दे तो इनमें बच्चों कुछ कॉमन है, दैट इज -3। जैसे ही -3 कॉमन निकाला यह पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा 3 2 जा, एंड ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। ना अब सर फिर से वही कहानी फंस गई कि मैं कैसे बताऊं, हर एक वैल्यू रख नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में सर इसकी क्वाड्रेटिक है, ट्राई करो ना ये होल स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब बच्चों मेरे दिमाग में है कि इसको x - 1 का स्क्वायर लिख लो,
अगर आपके भी दिमाग में चल रहा होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे कि सर हाँ आप तो चमक रहे एक्स माइनस वन का स्क्वायर है। तो बच्चों अब अगर मैं ध्यान दूं ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर यही होता है 100% यही होता है, आप ओपन कर लो तो मेरे सामने अब क्या क्या आ गया बच्चों, एक ये जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है और एक ये जो कि ऑलवेज नेगेटिव है। भाई ये नेगेटिव थ्री चेंज तो हो नहीं सकता, एक्स कुछ भी हो माइनस थ्री थोड़ी जो चेंज होगा, और मेरे को पता है कि माइनस इंटू प्लस ऑलवेज नेगेटिव देगा बच्चों, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि सर ये जीरो से छोटा है। अगर ये जीरो से छोटा दे रहा है प्रोडक्ट तो बच्चों क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल गया मुझे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो, और अगर लेस मिला सो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कहानी खत्म। सो फंक्शन क्या करेगा बच्चों 100% डिक्रीज करेगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो दे रहा है, यानी कि नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव था तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अगला भी महाचिंदी क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव आप लोग एकदम एक लाइन में कर देंगे बच्चों। एक्स का वन होता है और वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो गया अपॉन वन बाय एक्स स्क्वायर। अब तो ये यहाँ पे तो आपको मेहनत भी नहीं करनी है, क्यों मेहनत नहीं करनी है बच्चों सोचो, कल को अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो जाएगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स के खोपड़ी में टू बैठा है, तो आप एक्स को कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो भैया यहाँ पे पॉजिटिव बाजू में वन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी कि सर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी क्या आउटपुट देगा, पॉजिटिव ही देगा 200%, उसमें कोई बट हो ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिव देगा तो सर मुझे समझ गया कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर यहाँ पे मुझे समझ गया कि बच्चा लोग एफ डैश ऑफ एक्स क्या है जीरो से बड़ा, और अगर पॉजिटिव है सो देयरफॉर आपका जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, कहानी खत्म हो गई बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अब देखो अब यहां तक की तो कहानी बच्चों ये देखो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना। क्वेश्चन नंबर टू में पहले तो आप क्वेश्चन समझ लो, वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू ढूंढो, एक्स ढूंढना है, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि ये जो गिवन फंक्शन है उसने बोल दिया है कि नहीं बेटा ये इंक्रीजिंग है तू बता x क्या होगा, यानी कि सर वो जो आपने बोला था ना कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा वो बताना है, इंटरवल पॉइंट्स नहीं बताने, ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे नहीं, पूरे इंटरवल में कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव है, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ, या कहां से कहां तक, अब इंक्रीज पूछा तो नेक्स्ट डिक्रीज पूछेगा थोड़ी देर में, तो कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है हमको ये चेक करके बताना है बच्चों। अब यहां पे पहली बात चलो मैं स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आनी चाहिए बच्चों। अब देखो इस इनइक्वालिटी को पढ़ाने के तरीके तमाम है बच्चों, मैंने जो पढ़ाया है मैं जो आगे करूंगा वो बेसिकली थोड़ा सा मैंने हायर यूज किया है आपकी टेक्स्ट बुक से हट के, जिससे मैं जेई के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं इसी से पढ़ाऊंगा, आपको लिटरली वो इजी भी लगेगा। लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इनइक्वालिटी सीख लीजिए, इंटरवल्स एंड इनइक्वालिटी दोनों आपको आनी चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका जो वीडियो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इवन आई बटन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप इनइक्वालिटी एंड इंटरवल सीख ले, देन इस वीडियो पे आए तो ज्यादा बेटर है ताकि आपको समझे, और अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बस कहानी स्टार्ट करें। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इजी तरीके से आपको मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखा दूं बच्चों, जिसमें हम गाड़ी वाड़ी चलाएंगे कुछ, गाड़ी चला के और हवलदार से ट्रैफिक हवलदार से बचते हुए हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये एक बार आप देख लेंगे वो वीडियो तो बहुत बेटर है, ठीक है। चलिए सो बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ठीक है, आप x निकालो, चलो बच्चों इंक्रीज कर रहा है वो भी स्ट्रिक्टली, तो इसका सीधा मतलब होता है कि सर जो डेरिवेटिव है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया कि जो भी डेरिवेटिव है वो जीरो से बड़ा आएगा। तो आप पहले एक काम करो, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो बच्चों लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बच्चों 3 to the 6x² माइनस 3 to the 6x माइनस 12, ये हो गया मेरे डेरिवेटिव, ये मैंने क्या डेरिवेटिव निकाल दिया। नाउ सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, सो देयरफॉर मुझे पता है जो इसका डेरिवेटिव है ना सर वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 6x² माइनस 6x माइनस 12 शुड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली बोला था इसलिए हमने स्ट्रिक्टली इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। अब ये तो पता चल गया सर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मान लो बच्चों एक इसको छोड़ो हटाओ आपको नहीं आता ये सब फालतू,
मान लो यहां क्वेश्चन होता बच्चों ये 6x² - 6x - 12 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, ये 10th क्लास में हमने सीखा 10th स्टैंडर्ड में कि भाई इसका फैक्टर करके आंसर कैसे निकालना है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों इसका फैक्टर करके आंसर निकालना है, तो आप बोलोगे सर पहले x को उड़ा दो, सॉरी 6 से उड़ा दो, 6x² - x - 2 = 0। अब आप बोलेंगे सर इसका फैक्टर कर दो ना माइनस 2 का, तो 2 आंसर मिलेगा माइनस प्लस। सो यहां पे दो फैक्टर मिल जाएगा बच्चों, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 जो कि इक्वल है 0 को। तो बच्चों यहां से आपको एक्स की दो वैल्यू मिलती है, आइदर 2 और माइनस 1। अब बच्चों ये इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा होगा, इक्वल टू 0 तो दिया नहीं उसने, ऐसा थोड़ी जो बोला कि ये इक्वल टू 0। इसका मतलब सर अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो मैं करूं क्या? तो बच्चा तो टेंशन मत ले, सॉल्व ऐसे ही करना है, बस ये लास्ट वाला स्टेप नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू 0 होता है तो ये होता है ना कि किसी कोई एक तो 0 होना चाहिए, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। बट ठीक है, अपने को इक्वल नहीं बोला है, ग्रेटर या लेस यूज किया होगा, यहां पे ग्रेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो जिस तरीके से मैंने यहां किया, बस इक्वल की जगह क्या है ये जो है वही रख दो। तो पहले तो मैंने बच्चों 6 से उड़ाया, अब इसके दो फैक्टर किए तो मेरे को क्या मिलेगा? अब आपको तो पता है दो फैक्टर यही मिलना है, x माइनस 2 और x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अब यहां इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये तो हो गया कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट कोई एक 0 नहीं है, ऐसा नहीं कि ये 0 होगा या ये 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा ना बच्चों, तो अब यहां पे आपको यूज करना है वेवी कर्व मेथड, जो कि बहुत आसान है, जिसमें आपको नंबर लाइन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। देखिए दो चीजों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा 0 से बड़ा यानी कि सर पॉजिटिव वाला एरिया, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ले लो अपने आंसर में। तो अब ये पॉजिटिव वाले लोग कैसे मिलेंगे? तो बच्चों सीखते हैं अपन यहां पे, मैंने वैसे सिखा रखा है उस वीडियो में, मैं फिर से सिखा रहा हूं। कुछ नहीं बच्चों, आपको नंबर लाइन बना लेनी है, सबको नंबर लाइन बनाने आती है, देखो हर बार ऐसे ही करना, प्लीज ट्राई करना ऐसे ही करना, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। नंबर लाइन बनाते ही हमको पता है नंबर लाइन है तो सर यहां पे होता है इन्फिनिटी और यहां पे होता है माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चों कहानी ये है कि मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज है, अगर मान लो इक्वल टू 0 होता तो एक्स की दो वैल्यू होती है, जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, याद रखना। तो एक्स माइनस 2 पहले वाले ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट मांग लो, क्रिटिकल पॉइंट मांगने का मतलब होता है कि आप पहले एक्स माइनस 2 को 0 ले लो अपने मन में। तो बच्चों जैसे ही आपने एक्स माइनस 2 को 0 लिया, एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, फिर एक्स प्लस 1 को 0 ले लो तो यहां से एक्स की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। तो ये दो आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए, इनको नंबर लाइन पे उतार लो, 2 माइनस 1। अब पहली बार सर माइनस 1 यहां कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है, बीच में 0 1 2 जो भी है, हमको खाली नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट लेने। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा बच्चों, मुझे माइनस 1 और 2 मिल गया, मैंने वहां पे ड्रॉ कर दिया। अब बारी आती है गाड़ी चलाने की, तो गाड़ी हमेशा बच्चों आपका घर यहाँ पे होता है और आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे होता है, याद रखना ये आपका घर होगा इन्फिनिटी पे और ये मेरा डेस्टिनेशन है। मुझे यहां से यहां तक गाड़ी चलाते आना है और बीच में दो हवलदार बैठे, मतलब आपको आना है, तो लाइसेंस तो होता नहीं आपके पास, तो अब सर मैं यहां से यहां तक जाऊं कैसे? तो देखो इंडिया भाई जुगाड़, अपने को पता है पूरा रास्ता, तो आप यहां से निकले, यहाँ हवलदार खड़ा था, लगेज आप गली में घुस गए, बोले बाग हवलदार के पास कौन जाता है, फिर आपने दिमाग लगाया कि सीधा चला और इस बार हवलदार छाना था कि वो गली में खड़ा है, तो आप बोले रुक जा मैं निकल लूंगा हाईवे में, और भाई पहुंच के हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच गए, दैट्स इट, बस इतना ही गाड़ी चलाना है। और गाड़ी चलाने के बाद जो ऊपर वाला एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे पार्ट है बच्चों वो नेगेटिव होगा। अब आप देखो मुझे कौन सा वाला एरिया चाहिए सर, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वाला एरिया मेरा आंसर है। तो बच्चों पॉजिटिव वाला एरिया कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 एंड 2 से इंफिनिटी, और वो भी स्ट्रिक्टली है, याद रखना स्ट्रिक्टली में ओपन इंटरवल यूज होता है ये वाला, और इक्वल जिसमें आता है ना ऐसे जिसमें ओपन आता है वहां ये वाला यूज होता है बच्चों क्लोज। और एक चीज और ऐड कर लो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, ध्यान रखना हमेशा ओपन। तो बच्चों अब मेरा देखो एक्स कहां से कहां तक है, ध्यान देना मेरा एक्स कहां से कहां है, मेरा एक्स है सर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, वो भी ओपन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और सर 2 से इन्फिनिटी। तो यानी कि बच्चों ये दो आंसर है, यानी कि मेरा एक्स जो है यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है। इसको लिखने का एक और तरीका है आंसर को, आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है ना सर माइनस 1 से छोटा है और एक्स जो है 2 से बड़ा है, ये भी आंसर लिखने का एक तरीका होगा। आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, दोनों आंसर सही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। और मेरे हिसाब से सबसे इजी तरीका है ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, सबसे आसान तरीका, एक बार आप वो वीडियो देख लोगे तो एकदम आपको भयंकर ज्ञान हो जाएगा इनइक्वालिटी का, फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दो दो सेकंड में अब आप खुद करने लगेंगे, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वॉट
एक्स कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा। अगर यहीं पे मान लो क्वेश्चन में बोल दिया था बच्चों डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, सो बस आप यहां पे लेस करते, लेस मतलब नेगेटिव वाला, नेगेटिव यानी कि बच्चों माइनस वन से टू, ये मेरा आंसर होता कहानी खत्म। सो मेरा एक्स माइनस वन से टू बिलोंग कर रहा होता, बस डिक्रीजिंग में ही होगा और कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो गया। आगे के सवाल आप खुद कर लें, आपसे बनेंगे 200% बनेंगे, कहीं काल फंसेंगे आप, कहीं काल तो फंसेंगे, वहां मेरी जरूरत पड़ेगी, बाकी आपसे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो भाई पहले आप कोशिश करो, सारे सवाल खुद करो, फिर मेरे वीडियो को कंटिन्यू करो, जरूरत पड़ी तो, नहीं पड़ी तो स्किप, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं सारे सॉल्व करता हूं लेकिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब देखो कहानी तो वही है, इसी का सेकंड है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो कुछ नहीं बच्चों, सबसे पहले तो भाई लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। सो भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते ही आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 0 + 3 - 6x + 3x2। सो ये बच्चों हमारा हो गया डेरिवेटिव। नाउ अब देखो डेरिवेटिव में थोड़ा सा ना मैं चेंजेस कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन निकाला तो बच्चों ये x square है, -2x है, +1 है। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये f डैश मिल गया, सिंस फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है बच्चों, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो आई नो कि f डैश ऑफ x शुड ग्रेटर देन 0, यानी कि बच्चों 3x² - 2x + 1 should be greater than 0। अगर बच्चों ये greater than 0, 3 तो मर जाएगा, 3 नंबर है इसको भेज दो। देखो लेकिन अगर यहाँ x होता ना मैं नहीं फेंक सकता था उसको, x है तो वो एक critical point देगा, 3 कौन सा कुछ देगा, 3 constant है, फेंक दो। तो बच्चों क्या मिल गया, x² - 2x + 1 > 0। अब try करो इसका factor करने का, तो भाई 1 का factor 1 सा होगा, माइनस माइनस। सो बच्चों या इसको ऐसे नहीं लिख के आप सीधे x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत क्या नहीं है, कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, विच इज ग्रेटर देन 0। अब अगर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो सर कैसे सॉल्व करूं, अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर नहीं हटाना, आप सीधे इसको नंबर लाइन पे ले आओ। जिस दिन आप इसको नंबर लाइन पे ले आओगे ना, आपको मिलेगा सर क्रिटिकल पॉइंट तो 1 है। आप यहां से गाड़ी चलाना स्टार्ट करोगे बच्चों, इन्फाइनेट से माइनस इन्फाइनेट, जैसे गाड़ी चलाना स्टार्ट किया ना आप आ गए 1 पे। जिस दिन आप 1 पे आए, दिमाग लगाओ यहाँ पे पावर इवन है, अगर पावर इवन है ना बच्चों तो ट्रैफिक हवलदार रह के भी नहीं रहेगा, सोया है वो, उससे डरना नहीं है आपको, आप साएं सीधा निकल जाओ। बस दिक्कत है कि उसको देखो मत, उससे मत मिलो ट्रैफिक हवलदार से, यानी कि ट्रैफिक हवलदार से नहीं मिलने का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे ओपन बॉल दे दो, ये ऐसे ओपन, ऐसे एक ओपन बॉल रख दो। ओपन बॉल का मतलब है कि वो पॉइंट नहीं आएगा, बाकी सारे पॉइंट आएंगे, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि हम नीचे जाएंगे ही नहीं, ट्रैफिक हवलदार है लेकिन सो रहा है, तो हम खाली उसको नहीं देखेंगे, बाकी सीधा निकल जाएंगे। तो सीधा निकलने में क्या होगा कि सर ये वाला और ये वाला एरिया पूरा कवर होगा, सिंस इट्स इवन, पावर इवन है। ऑड में क्या होता है, ट्रैफिक हवलदार हरामी है, नीचे जाना होता है, लेकिन इवन में ऐसा नहीं होता। इवन में क्या करना होता है बच्चों, हमको सीधे निकल लेना होता है, इवन में हमको जो है साइन चेंज नहीं करना होता, ध्यान रखना है साइन चेंज नहीं होता। या तो आप ऐसे याद कर लो इसको, और सिंपल तरीके से करना हो तो बच्चों ट्रैफिक हवलदार हटा दो, गाड़ी चलाना छोड़ दो थोड़ा सा, और आप जो है ना भाई, सपोज ये मेरी नंबर लाइन है इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 है, तो बच्चों ये प्लस वाला एरिया है, इवन पावर में साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो बच्चों ये प्लस रहेगा, यानी कि आप गाड़ी चलाते हुए आए हवलदार को बिना देखे आप सीधा निकल गए। सो दिस इज योर ओपन इंटरवल बच्चों, जहां सॉरी फॉर इवन पावर, जहां भी इवन पावर होगा, 2 से ज्यादा इवन पावर आपको नहीं आएगा। ठीक है, सो ये अब यहाँ पे आंसर क्या हुआ सर, केवल 1 नहीं आ रहा है, बाकी माइनस इन्फिनिटी से सब इन्फिनिटी तक सब आ रहा है, यानी कि सर पूरा आर आ रहा है, बस 1 नहीं आ रहा है, तो 1 को माइनस कर दिया मैंने, लिखने का तरीका बदल दिया, ये हमारा आंसर, यानी कि पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दैट्स योर रियल नंबर, बस उसमें से 1 एक इकलौता ऐसा दिक्कत है जो नहीं रख सकते। सोचो नहीं रख सकते, देखो कैसे बच्चों, जिस दिन आप यहाँ 1 रखोगे, जस्ट इमेजिन आपने यहाँ पे 1 रखा, 1 - 1 = 0, 0 का स्क्वायर 0, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है, तो 0 नहीं आएगा। बाकी आप देखो बच्चों इसमें कुछ भी रखो, कोई दुनिया का नंबर रख दो, आप दिमाग लगाओ धरती का कोई नंबर रख दो, स्क्वायर है पॉजिटिव ही होगा, यानी कि सर ग्रेटर देन 0 होगा हर एक पे एक्सेप्ट 1। तो सर इस लाइन की भी जरूरत नहीं थी, आप अगर ये भी नहीं बनाते तब भी मैं आंसर लिख लेता, बोलो हाँ, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, आपको इंक्रीजिंग बोल रखा है, आपको बाकी काम करने हैं। सो बच्चों फर्स्ट लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इट इज 3x² - 12x - 36। नाउ यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि बच्चों 3 कॉमन है, इट इज x² - 4x - 12। सो बच्चों सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा बच्चों, थ्री वहां मर गया, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व, फटाक से फैक्टर कर लो माइनस ट्वेल्व का, तो सिक्स टू सा मिलेगा हमको बच्चों माइनस और प्लस, सो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस सिक्स एक फैक्टर मिल गया और एक्स प्लस टू एक फैक्टर मिल गया। दो पॉइंट्स हैं बच्चों, पावर दोनों के ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो गाड़ी चलाते हैं। ये नंबर लाइन हो गया बच्चों, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मांगो तो माइनस टू और सिक्स है, ये हमारा इन्फिनिटी, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, हमने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, हवलदार खड़ा है लगेज अंदर, फिर आगे बढ़े, हवलदार है फिर ऊपर और फिर कल्टी, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है और बच्चों नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, हमको कौन सा एरिया चाहिए, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव एरिया चाहिए बच्चों, तो पॉजिटिव एरिया कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, वो भी ओपन क्योंकि स्ट्रिक्टली है यूनियन सिक्स से इन्फिनिटी, ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट, कहानी खत्म। इसको लिखने का एक और तरीका है बच्चों, आप ऐसा बोल सकते हो कि x इज लेस देन माइनस टू और x इज यूनियन x इज ग्रेटर देन सिक्स, आप इस तरीके से भी आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, इन इस तरीके से भी और मत लीजिए, और यानी कि यूनियन ही होता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं, ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है, कहानी खत्म हो गई बच्चों, दैट्स इट, वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा ओके, सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर टू फुल बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर टू हो गया, आपको लगा होगा लिटरली छीन लिया, सच में छीन लिया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर, नाउ बच्चों देखो कहानी सेम है, बस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दिया, वहां इंक्रीज करा था या डिक्रीज, तो वहां ग्रेटर था या लेस होगा और कुछ नहीं, सब 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 कुछ सेम, वैसे ही सॉल्व करना है, नंबर लाइन सब कुछ एज इट इज। सो बच्चों पहले तो आप डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इट इज थ्री टू द सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू द सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, सो यहाँ पे आपको सिक्स कॉमन दिख रहा है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। सो बच्चों सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर जो डेरिवेटिव है वो जीरो से छोटा होना चाहिए बच्चों, यानी कि सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन टू, तो इसका मतलब है बच्चों सिक्स वहां चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, फट से माइनस टू का फैक्टर करो तो टू वन जा माइनस प्लस, तो बच्चों दो फैक्टर मिलेगा एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन विच इज लेस देन जीरो। अब अगर ये दो फैक्टर मिल गए तो इनको फटक से नंबर लाइन पे इनके क्रिटिकल पॉइंट लाओ बच्चों, टू और माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पे टू यहाँ पे, ये देखो सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर वन था और ये सेम ही है, तरीका वही आ गया बच्चों, वही फैक्टर मिल गए। अब आपको खाली वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज बोला था या डिक्रीज बोला है, तो अब यहाँ पे सर आप इन्फाइनाइट से गाड़ी स्टार्ट करोगे चलाना बच्चों, हवलदार मिला गायब, आगे बढ़े फिर हवलदार मिला गायब फिर गायब, ये माइनस इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक का खेल है, ये वाला एरिया पॉजिटिव है बच्चों ऊपर वाला और जो नीचे का एरिया है वो नेगेटिव है। अब लेकिन मुझे उसने डिक्रीज यानी कि बच्चों लेस देन जीरो वाला एरिया बोला है, यानी कि जो नेगेटिव है वो मेरा आंसर होगा, नेगेटिव कहां से कहां है बच्चों, माइनस वन से टू, वो भी ओपन खत्म। ये मेरा आंसर हो गया, आप इसको लिखने का एक और तरीका देख सकते हो, या ऐसे लिखो आंसर को या माइनस वन से एक्स टू के बीच में, ये भी लिखोगे तो बच्चों चलेगा, दोनों देखो तरीका है आंसर लिखने का, दोनों एक ही चीज है, मीनिंग दोनों का एक ही है, ठीक है, दैट्स इट, कहानी खत्म, सेम एज इट इज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं बच्चों, सो नाउ डिफरेंशिएट, सेम कहानी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इट इज वन माइनस ट्वेंटी फाइव बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज वन बाय एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होगा, सो इट इज ट्वेंटी फाइव बाय एक्स स्क्वायर, सो बच्चों आइदर डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिल गया डेरिवेटिव। नाउ सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, सो बच्चों यहाँ से क्या निकला, ये वहां जाके मरेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव इज लेस देन जीरो, बच्चों इसको आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मेरे को बस फैक्टर करना है बच्चा लोग ताकि मैं ना गाड़ी चला सकूं। अब आ गया बारी गाड़ी चलाने का, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, माइनस फाइव एन फाइव, यहाँ इनफाइनाइट यहाँ माइनस इन्फिनिटी, गाड़ी चलाते हुए आप आए, हवलदार दिखा गायब, हवलदार दिखा ऊपर, सो बच्चों ये पॉजिटिव वाला एरिया और ये नेगेटिव। अब मुझे कौन सा चाहिए बच्चों, लेस देन, लेस देन यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से कहाँ है बच्चों, माइनस फाइव से लेके फाइव, थोड़ा अच्छे से लिख देते, कहानी खत्म, दैट्स इट, वी हैव डन।
कुछ भी नहीं है बच्चों। अब आपको लग रहा होगा कि सर सब सारे सेम ही तो है, सारे सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा है वो। ठीक है, थर्ड भी वही कहानी है बच्चों, सेम वैसे ही करना है। पहले आप डेरिवेटिव करें तो एफ डैश क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, इट इज 3x² माइनस 18x प्लस 24। आप यहाँ पे भी 3 कॉमन पा रहे हैं, कॉमन निकालते इट इज x² माइनस 6x प्लस 8। सो बच्चों सिंस फंक्शन इज, लिख देंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ डैश जो है वो 0 से छोटा होगा। सो बच्चों यहाँ पे 3x² माइनस 6x प्लस 8 शुड लेस देन 0, यानी कि बच्चों x² माइनस 6x प्लस 8 0 से छोटा होगा। 3 वहां गया, काम खत्म। अब बच्चों फैक्टर कर लो यहाँ पे फटाक से। ओ सो 8 का फैक्टर ढूंढना है बच्चों आपको, 4 टू जा विल बी बेस्ट ऑप्शन। तो 4 माइनस एक्स, मैं इसमें पूरा प्रॉपर फैक्टर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे x कॉमन है तो सीधा x माइनस 4 और x माइनस 2 दो फैक्टर मिल जाएगा बच्चों। आप वापस से नंबर लाइन पे आ जाओ एकदम तुरंत, जिस दिन आप नंबर लाइन पे आओगे बच्चों एक जगह 2 है एक जगह 4 है, दिस इज इनफाइनाइट दिस इज माइनस इनफिनिटी। चलो गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी चलाना स्टार्ट किया बच्चों, हवलदार दिखा अपन गायब, फिर से हवलदार दिखा अपन गायब। ये पॉजिटिव वाला एरिया ऊपर वाला और नीचे नेगेटिव वाला एरिया, हमको लेस देन चाहिए बच्चों यानी कि नेगेटिव वाला एरिया। ओ देखो कितनी सिली मिस्टेक कर दी है मैंने, 2 यहाँ होगा बच्चों 4 यहाँ पे होगा, भाई 2 छोटा है नंबर लाइन में पहले होगा 4 बाद में होगा, सो वो हो जाएगा बच्चों 2 से 4 कहानी खत्म, दैट्स इट खत्म हो गया। सो आपको फील आ रहा होगा कि सर सारे क्वेश्चन ना सेम हो रहे हैं और एकदम स्पीड में हो रहे हैं आपसे। नेक्स्ट खत्म, डन, वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 3 फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इंक्रीजिंग के लिए चेक करो, डिक्रीजिंग के लिए चेक करो, तो पहले तो आप डेरिवेटिव कर लो, फिर एक पार्ट में इंक्रीजिंग निकाल लो एक में डिक्रीजिंग, नंबर लाइन बनाओ एक ही में दोनों आंसर दे देंगे। चलो बच्चों पहले आप इसका डेरिवेटिव करो, तो व्हाट वुड बी एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 144। थोड़ा बड़ा है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो क्या हो गया भाई, हमको तो कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, x² माइनस 8x माइनस, अब यहाँ पे सोचो कितना आएगा डिवाइड करने में, तो 3 चौक 12 बच्चों, 3 अठे 24, 48 ये इसका फैक्टर मिलेगा। अब अगर फैक्टर मिल गया, चलो ये तो डेरिवेटिव आ गया, अब दो बातें होंगी बच्चों यहाँ से, एक आपको इंक्रीजिंग खेलना है एक डिक्रीजिंग, तो पहले इंक्रीजिंग खेलते हैं और फिर हम डिक्रीजिंग खेलेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टली शब्द यूज नहीं किया, केवल इंक्रीजिंग यूज किया, तो इसका मतलब है सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अच्छे से समझना बच्चों भी यहाँ पे, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि सर जो डेरिवेटिव आएगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। देखो यहाँ इक्वल का साइन भी आएगा, और जिस दिन इक्वल का साइन आया तो आंसर में क्लोज वाला इंटरवल यूज होगा, याद रखना क्लोज्ड। ठीक है, चलिए एफ डैश इंक्रीजिंग है तो जीरो से बड़ा होगा, सो बच्चों क्या है एफ डैश, इट इज x² माइनस 8x माइनस 48 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो 3 वहां मर गया बच्चों, x² माइनस 8x माइनस 48। बच्चों एक काम करेगा, मैं ना थोड़ा सा इसको और सिंपल करने, सिंपल इन द सेंस और लिखने वाला पार्ट कम करने के लिए, ताकि मेरे को इसमें ना लिखना पड़े, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यही पहले फैक्टर कर लो, इट इज 3 बच्चों 48 का फैक्टर करो फटाक से, अपने को 8 चाहिए, तो 12 चौक 48 बेस्ट फैक्टर हो गया, माइनस प्लस बिकॉज माइनस चाहिए यहाँ पे। सो बच्चों मुझे फैक्टर क्या मिल जा रहा है, x² माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48, इससे काम कम हो जाएगा बच्चों हमारा, 3 यहाँ पे एक मिल गया x माइनस 12 और एक मिल गया x प्लस 4, ये बेस्ट काम हो गया। अब क्या हमारा यहाँ पे लिखने वाला, नहीं तो ये ना हमको दो बार लिखना पड़ता है, इंक्रीजिंग में भी डिक्रीजिंग में भी, तो वो टाइम बच जाएगा हमारा। सो नाउ पार्ट ए, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आप एग्जाम में ऐसी करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। सो देयरफॉर हमको पता है कि जो एफ डैश है ना बच्चों वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि 3 x माइनस 12 x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों 3 तो कांस्टेंट है, वहां गया, आत्महत्या हो गया बेचारे का, तो वो मर गया, वो मरते ही होगा क्या, जैसे ये मर गया तो हमारे पास बच्चों नंबर लाइन का काम आ गया। अब नंबर लाइन में दो बातें हो सकती हैं, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक माइनस 4 मिल रहा है बच्चों और एक यहां से 12 मिल रहा है। हमने गाड़ी चलाना स्टार्ट करना है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सो जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया भाई हम तो आ गए, पहले हवलदार से मिले निकल लिए, फिर मिले निकल लिए, तो ये एरिया हो गया बच्चों पॉजिटिव वाला और ये एरिया हो गया नेगेटिव वाला। तो अब आप यहीं पे दोनों जजमेंट दे देंगे, दोनों जजमेंट, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंस मुझे पहले इंक्रीजिंग के लिए सोचना है, यानी कि सर जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला कौन है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4,
ना यहाँ पे क्लोज, इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है तो इसको तो मैंने ओपन रखा, लेकिन माइनस फोर क्लोज होगा और फिर 12 से इन्फिनिटी वो भी क्लोज हो जाएगा, दोनों के बीच में यूनियन। ये हो गया आपका पहला आंसर फॉर इंक्रीजिंग। और अगर फॉर डिक्रीजिंग बोला है, ये तो इंक्रीजिंग के लिए हो गया बच्चों, आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये दोनों तरीके से आंसर है। ये हो गया इंक्रीजिंग, लेकिन सेकेंड केस में बच्चों डिक्रीजिंग शब्द यूज कर रखा है। अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आई नो कि सर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब बच्चों नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव वाला पार्ट कहां से कहां है, माइनस फोर से 12 है, तो कहां सॉल्व करना है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लोज इंटरवल इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि इक्वल का साइन है, आ गया आंसर, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको चाहिए तो आप भाई ये इतने स्टेप यहाँ रिपीट करके लास्ट में आंसर लिख दो तो भी चलेगा, और नहीं तो ये तो बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। हो गया कहानी खत्म, कि सेम फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना था, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, डन बच्चों, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाँ नेक्स्ट भी सेम है, बस स्ट्रिक्टली यूज किया है, यहाँ पे इक्वल आया था वहां पे इस क्वेश्चन में, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, इतना सा ही डिफरेंस है। चलो करते हैं फटाफट इसको भी, तो बच्चों पहला काम आप ना 90% काम तो निपटा लो यहीं पे। चलो सो भैया पहले डेरिवेटिव करेंगे, सो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, 6x² माइनस 30x माइनस 144। सो बच्चों 3 तो कॉमन है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिया था, माइनस 48 गलत हो गया क्या, गलत हो गया ना, 3 टेंजा आ जाएगा, 6 नहीं कॉमन लिया मैंने, 3 टेंजा होगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ने का सर फैक्टर भी तुरंत कर लेते हैं। चलो बच्चों फैक्टर बोलो मुझे माइनस 48 का, अब 12 चौक तो चलेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या ले 8 छंग 48 भी नहीं चलेगा बच्चों, 12 चौक 48 भी नहीं चलेगा, क्या लेने फैक्टर, सिक्सटीन समथिंग जब भी नहीं चलेगा, फैक्टर मिलेगा कि नहीं बच्चों यहाँ पे, अब वो क्वेश्चन हो गया भाई, फैक्टर क्या मिलेगा ना हमको यहाँ पे। एक काम करते हैं 6 कॉमन लेते हैं तो शायद फैक्टर मिले, 3 नहीं 6, हाँ नहीं गड़बड़ कर दी थी मैंने, गड़बड़ ये कर दी थी ना बच्चों, ये 3 बाहर लिया, 6 ले लेते हैं, 6 बार ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² 6 × 5 = 30। अब सही है बच्चों, तो ये हमको दोनों फैक्टर दे देगा 24, अभी राइट है। सो बच्चों ये 6 हो गया x², चलिए माइनस 24 का फैक्टर 8 × 8 = 3 हो जाएगा बच्चों माइनस 3+, हाँ राइट है, एकदम राइट है। सो ये हो गया माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। सो बच्चों यहाँ पे क्या मिल रहा है फैक्टर हमको, एक मिल गया x माइनस 8, एक मिल गया x प्लस 3, ये हो गया। चलो हम ना नंबर लाइन भी यहीं बना लेते हैं, देखो इस बार ना और काम कम करने जा रहा हूँ, नंबर लाइन यहीं बना ली। तो बच्चों नंबर लाइन में ये है आपका माइनस 3, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस 3 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया, ये ज्यादा अच्छा। बच्चों ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, ये गाड़ी चला दिया मैंने पूरा का पूरा, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया होता है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। अब दो बातें बच्चों यहाँ से देखो, यहाँ से दो बातें, उसने बोला है सर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर सिंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सो हमको पता है कि एफ डैश जो है ना बच्चों वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो से स्ट्रिक्टली बढ़ाओ। अब स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि मेरा आंसर वो होना चाहिए जो जो पॉजिटिव वाला एरिया, पॉजिटिव वाला एरिया एक ये है और एक ये है, मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 वो भी ओपन, और बच्चों 8 से इंफिनिटी ये भी ओपन, दोनों के बीच में यूनियन, खत्म हो गया, ये मेरा पहला आंसर हो गया बच्चों। और जो मेरा दूसरा आंसर है सेकंड बी, सिंस लिख दो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है तो सर नेगेटिव वाला, यानी कि माइनस 3 से 8, ये बच्चों आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो देखो बहुत आसान है, बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से हम आंसर निकाल ले रहे हैं, आई नो कि टेक्स्ट बुक में थोड़ा लेंदी है चीजें जो है बाकी इलेबरेट करके की गई, मतलब काफी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, दिस वन इज द इजीएस्ट मेथड, इजियर वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अगेन सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, ये देखें आप यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ सेम है, जस्ट फंक्शन में उन्होंने वेरिएशन किया है, बाकी कॉन्सेप्ट में वेरिएशन नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, आपको फील आएगा अभी 2 मिनट में क्वेश्चन निपट जाएगा। फंक्शन आपका थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर दिया है, यू अपॉन वी लगा दिया क्योंकि, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना बच्चों, ये यू अपॉन वी पे काम करेगा। यू अपॉन वी का मतलब देखो, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे, तो ये यू हो गया और ये वी हो गया, तो डेरिवेटिव भी उसी के तरीके से करने का, यानी कि वी डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन में बच्चों इट इज वी का स्क्वायर। सो यहां पे थोड़ा सा हम ना संभल संभल के काम करेंगे, नहीं मिस्टेक कर सकते। x का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों, प्लस x, यहां पे डेरिवेटिव विल बी 2x, कांस्टेंट का 0, सो इट टर्न्स आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में इट इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों अपॉन में वो लिख देना, मैं आ गया यहां पे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ये मिस हो गया था। सो अल्टीमेटली हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आया बच्चों। अब यहां पे रुकते हैं, अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करते हैं, नहीं यहाँ पे आप 100% मिस्टेक कर जाएंगे। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, नाउ फर्स्ट केस देखते हैं। सिंस उन्होंने बोला है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर बच्चों को इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि एफ डैश शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि बच्चों ये जो 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखो बच्चों ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस इसलिए कि सर चलो ठीक है, बाकी सब बातें तो अपनी जगह, मैं इसको कल को 100% फैक्टर वैक्टर करके ना कुछ सोच लूंगा, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी ना बच्चों, सुनना कि इसके डिनोमिनेटर में भी कोई बैठा है, और आपको पता है आप डिनोमिनेटर इनइक्वालिटी में ऐसे ही वहां नहीं शिफ्ट कर सकते। इक्वालिटी में ऐसे ही होता था जब आप छोटे छोटे थे, अगर यही चीज मैंने लिखी होती बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप बोलते सर ये उधर गया ना, ये तो मर गया, सच है वहां पे जाएगा मर जाएगा। लेकिन वो किस केस में, वो समझो, वो नॉर्मल केस में नहीं होता है, वो होता है जब इक्वल हो। इनइक्वालिटी में ये चीज का ध्यान रखना होता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तभी मैं इसको वहां शिफ्ट कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको जीरो कंसीडर कर सकता हूं। तो इसका पॉजिटिव होना जीरो के पास भेजने से बहुत खासा रिलेशन लगता है, लेकिन लेकिन हमारे केसेस में दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हल्के लेवल के होते हैं, तो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जीरो के पास शिफ्ट कर दो, या ऐसे लिख दो सिंस ये पॉजिटिव है और वो बोल रहा है, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ये जो भी है ना ये पूरा जीरो से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे पॉजिटिव बैठा है तो सर ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी तो हमको आउटपुट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये बोल रहा है कि नहीं तेरे पूरे टर्म को पॉजिटिव होना है, तो इसका मतलब है सर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव ओपन पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, नहीं तो उल्टा लोचा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सर इस चीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 तब मेरा आंसर मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, 3 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर प्लस 1/3 शुड ग्रेटर देन 0, या ऐसा करो, ऐसे नहीं करना है तो इसको सीधे 1 को वहां शिफ्ट कर दो बच्चों, 1 को अगर मैंने वहां भेजा सो इट इज 3x स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1, तो x स्क्वायर शुड ग्रेटर देन माइनस 1/3, तो x शुड भी देखो x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन माइनस 1/3 है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे x स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1/3 है, तो अब नंबर लाइन पे किसको लूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं आपको ना इसको सॉल्व करने का एक और यूनिक तरीका बताता हूँ, और इजी तरीका बताता हूँ, ऐसे ना करके क्या करें, तो आप एक काम करो 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 विच इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखो यहाँ पे 1/3 बैठा है, तो कैन आई राइट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना माइनस 1/3, 100% लिख सकता हूँ बच्चों, बोलो हाँ। और आप अगर ऐसा लिख सकते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 1/√3 दैट इज ऑल्सो माइनस का स्क्वायर, नहीं 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 एक मिनट, ये माइनस बाहर रख दो, यहाँ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाएगी बच्चों, दिक्कत ये हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/√3 है, और माइनस माइनस 1/√3 का स्क्वायर, जब आप इसको a माइनस b a प्लस b लोगे तो भी मिस्टेक कर दोगे,
क्योंकि ये बाहर भी एक माइनस है और अंदर भी एक माइनस है, या तो आप उस माइनस का ध्यान रखो कि अंदर एक माइनस है, वो माइनस अगर लेके चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होगा। तो आप एक काम करो, इसको नॉर्मल तरीके से ही कर लो बच्चों। ये इकलौता क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा हूँ कि अब आप इसको ईजी सिंपल वाले तरीके से करो। ओके, यहाँ यहाँ सब गड़बड़ कर दी है, नहीं होगा बच्चों, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा इसमें रुक जाओ, यू अपॉन वी लेने में मिस्टेक कर दिया, माइनस होता है यहाँ पे, माइनस होगा कुछ। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, एक्स का वन हो जाएगा डेरिवेटिव, एक्स का वन हो गया माइनस एक्स, ये हो जाएगा टू एक्स। बच्चों माइनस आएगा यहाँ पे, गड़बड़ हो गई ये सब, तभी तो वहाँ फंस गया अपन फैक्टर वैक्टर करने में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन मेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक है जो बोर्ड के एग्जाम में वाट लगाती हैं अपने। तो ये हो जाएगा बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर, आप सही है, ठीक है, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे बच्चों एक एकदम चिंदी सा मिस्टेक जिसकी वजह से अपन फंसे हुए थे। और ना कहानी थोड़ी सी बदल गई है बच्चों, यहाँ पे कहानी ये बदल गई है हमारी कि यहाँ पे बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है अपने पास, ठीक है। अब ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमको पता है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव होना पड़ेगा उसको। और अगर बच्चों इसको पॉजिटिव होना है ना, तो देखो अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, इसको क्या लिख रखा हुआ है, ये वन, वन कैन बी रिटर्न एज वन का स्क्वायर। लेकिन सर पहला नियम ये होता है कि एक्स स्क्वायर आगे होना चाहिए। तो बच्चों एक काम करो, माइनस कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर को पहले ले लो। जिस दिन आप माइनस कॉमन निकालोगे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा ग्रेटर देन जीरो, और जिस दिन माइनस हटाओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, याद रखना इनइक्वालिटी का लाइन। जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस हटाने के लिए, हर टाइम इनइक्वालिटी चेंज होगी, इनइक्वालिटी का सिंबल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को आप वन का स्क्वायर लिखोगे, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है विच इज लेस देन जीरो। सो बस फिर से आ जाते हैं नंबर लाइन पे, वन एन माइनस वन एन वन। सो बच्चों ये इन्फिनिटी है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, भाई गाड़ी चला लो। तो पॉजिटिव वाला एरिया ये हो गया और नेगेटिव वाला एरिया ये हो गया। नाउ स्टिल इट्स इंक्रीजिंग, लेकिन हमको जो छोटा है वो आंसर होगा। इंक्रीज कहाँ होगा, देखो बिकॉज इनइक्वालिटी यहाँ चेंज हो गई है, तो जो छोटा वाला यानी कि लेस देन वाला पार्ट है यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट है उसमें मेरा फंक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि कहां से कहां तक बच्चों, माइनस वन से वन तक, दैट्स इट। और यही जब डिक्रीज की बात होगी बच्चों, अब आप दिमाग खुद लगा लो कि बी पॉइंट जब वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने का मतलब है बच्चों कि एफ डैश लेस देन जीरो, एफ डैश का मतलब है बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर शुड लेस देन वन। ये तो पॉजिटिव है और पूरा आउटपुट जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो बच्चों इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, 100% होना ही पड़ेगा, नहीं तो लोचा कर जाएगा। और नेगेटिव होना पड़ेगा तो भैया एक्स शुड लेस देन माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड ग्रेटर देन जीरो। देखो इनइक्वालिटी चेंज हुई क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे वही एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, सेम बच्चों नंबर सिस्टम मिलेगा। अब ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एन वन से इन्फिनिटी, दोनों के बीच में यूनियन और कहानी खत्म, निपट गया बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अच्छा इसलिए क्योंकि हमने मिस्टेक की तो फंस गए, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ना एक एडिशनल टच दे गया आपकी बुक में, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से मैं इसको कंसीडर करूंगा, जहां पे ये छोटा सा टच दे गया है जहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसको ग्रेटर देन जीरो होना है, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ेगा, और उसके बाद भी माइनस से मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। ये दो बातें और एडिशनली अच्छी एड हो गई इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन बच्चों सेवन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान है, बस दिखने में थोड़ा सा उन्होंने अब तक जो अपन फाइंड कर रहे थे ना उन्होंने वो देख के बोल दिया है प्रूफ करो, समझो कैसे। बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स बोल रखा है कि इस इंटरवल पे वो इंक्रीजिंग है, इस पर डिक्रीजिंग है, आप प्रूफ करके दिखाओ। मतलब उन्होंने क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दे रखा है, जो आंसर हम अब तक ढूंढ रहे थे वो भी दिया हुआ, हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या सर, वैसे ही करेंगे जैसे अब तक पढ़ा, कुछ नया थोड़ी जो हमने पढ़ा। सो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स पहले क्या हो जाएगा वो समझो। सो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा थ्री माइनस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर, दैट्स। अब ये हो गया मेरा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो मिल गया, अगर डेरिवेटिव मिल गया तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे कैसे भी करके ये चेक करना है कि इस इंटरवल पे वो इंक्रीजिंग है नहीं। कौन ये, देखो फंक्शन ये है, ये उसका डेरिवेटिव है, इंक्रीजिंग का मतलब सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए बस। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई तो मेरा काम हो जाएगा। उसने इंटरवल बता रखा है, इंटरवल एक्स के लिए होता है हमेशा, यानी कि जो मेरा x है, पहला केस समझते हैं बच्चों, जो मेरा x है ना
वो 1 से लेके माइनस 1 बाई 3 से लेके 1 के बीच में उसने बोल दिया। अब आप इसको ना इसके बीच में फिट करो कैसे भी, और आपको फील आएगा कि सर ना ये 0 से बड़ा ही देगा, देखना 100% 0 से बड़ा देगा। अब फिट करने का मतलब क्या है सर, सोचो देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक काम करो पहले इधर एक्स स्क्वायर लाओ। तो देखो जो आप करोगे ना बच्चों सब में अप्लाई होगा, सो ये जाएगा 1/9 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। नाउ एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 1, 3 से मल्टीप्लाई करो सो ये जाएगा 3/9 इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 3, तो ये 1/3 हो गया बच्चों। अब इसको उल्टा करना है तो भाई उल्टा कर दो। अच्छा उल्टा करने पे भी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है, दो बातें, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी और जब भी आप उल्टा करोगे तब भी सेम सिचुएशन होगा। तो बच्चों देखो उल्टा होगा तो ये 1/3 है, ये 3 ग्रेटर देन 1/3x स्क्वायर ग्रेटर देन 3। अब बच्चों 1/3x स्क्वायर के साथ माइनस ये, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा जो चाहिए, देखो मैं एज इट इज कर रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर से साइन चेंज, बच्चों यहां पे गड़बड़ हो गई ना, 1/3 होना चाहिए था, उल्टा करते सो इट इज लेस देन माइनस 1/3। नाउ 3 ऐड करना है, सब में 3 ऐड करो, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1/3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1/3 3 माइनस 1/3। तो सब में मैंने क्या किया बच्चों 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ना 3 पहले ऐड करो, फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन पहले लिखो क्योंकि जो स्टेप हो रहे हैं सब में प्रॉपर हो। सो बच्चे विल फील ये 0 हो गया, इज लेस देन 3 माइनस 1/3x स्क्वायर इज लेस देन 3 3 9 9 9 - 1 8/3। अब पकड़ने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो डेरिवेटिव है ये कौन है, ये डेरिवेटिव है, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, अच्छा इक्वल होगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू होता है, आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि यहां पे ना एक शब्द आ गया, बाकी भाड़ में गया, वो आगे क्या लिखा मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा एफ डैश 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीज, प्रूफ हो गया। मुझे तो यही चाहिए था कि ये जो भी डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए इस इंटरवल पे, मैंने उसी इंटरवल को स्टार्ट किया एंड आई फील कि उस इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो 100% 0 से बड़ा आ रहा है, अगर 100% 0 से बड़ा है तो फेल खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो गया फंक्शन इंक्रीजिंग। सेम केस हमको डिक्रीजिंग में सोचना है, बस इंटरवल बदल के 1/9 से 1/3 हो गया। चलो सेम चीजें हम जो है बच्चों एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं बेटा होगा, हाँ इसमें करते हैं। सो अब दिया क्या है बच्चों 1/9, पहले तो f डैश क्या आया बच्चों मेरा, f डैश ऑफ x क्या मिला है हमको जरा सोचो, दैट इज 3 माइनस 1/3x स्क्वायर और इंटरवल है बच्चों 1/9 से लेके 1/3। वैसे उन्होंने ओपन यूज किया, नॉट ओपन, ये क्लोज दिखाता है, वैसे प्रॉपर ऐसा होता तो ज्यादा हमको क्लेरिफिकेशन मिलता पर ठीक है वो क्लोज को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ अब मेरा जो x है बच्चों वो 1/9, अब देखो सेम स्टेप्स मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, मुझे पहले एक्स स्क्वायर चाहिए बच्चों, स्क्वायर करो, अब आपको जो है चमकेगा चीजें जो है ज्यादा समझेंगी बच्चों, 3 चाहिए सबके साथ, थ्री से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 27, 3 सो इट इज बच्चा लोग 1/27 इज लेस देन इक्वल टू 3x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/3। अब बच्चों उल्टा टांगना है, उल्टा टांग दो, हाँ उल्टा टांगते साइन लेकिन बदल दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, 1/3x स्क्वायर 1/3। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई करना है बच्चों बिकॉज माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, इट इज माइनस 27, साइन फिर से बदल गया माइनस 3, सब में 3 की जरूरत है 3 से ऐड कर दो, सो अल्टीमेटली यहां पे क्या मिला बच्चों माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 3x 1/3x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। बाकी यहाँ क्या है उससे मेरा कोई नहीं मतलब है बच्चों, ये मेरा एफ डैश है जो कि आपको 100% लेस देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, और अगर बच्चों ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कहानी करते।
प्रूफ हो गया बच्चों, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी कुछ नहीं था, यहाँ पे उल्टा करना था, फंक्शन और इंटरवल दे रखा था, चेक करना था इंक्रीजिंग है कि नहीं है, मतलब है, शो दैट मतलब है, और मैंने चेक किया है ना गॉट की भाई है, दोनों है कानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। शो दैट एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग, सेम क्वेश्चन है बच्चों, फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। करने का तरीका क्या सर, एफ डैश निकालो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। चलो बच्चों फट से एफ डैश निकालो डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, डेरिवेटिव निकाल लिया, सो ये हो गया अल्टीमेटली वन प्लस साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन है एफ डैश। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बस इतना सोचना है बच्चों, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जीरो या जीरो से बड़ा है क्या? तो देखो वन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पहले ये समझो, वन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वन का तो दिक्कत है नहीं, दिक्कत है साइन का, साइन पे हमको सोचना पड़ेगा, क्या साइन बच्चो पॉजिटिव है। अच्छा उसने एक बात और बोला है, फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए चेक करना है, यानी कि सर हर एक एक्स के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आप सोचो अगर आपने साइन एक्स की जगह पे कुछ भी रखा, कुछ भी एक्स की जगह पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख दो, क्या वो इंक्रीजिंग होगा, हाँ या नहीं में जवाब देना है, यानी कि हाँ या नहीं में सोचना है आपको। अगर मैंने x की जगह पे 90 रखा, देखो बच्चों तो वो 1 होता है, साइन 90 बन देगा, लेकिन कल को अगर मैंने x की जगह पे माइनस 90 रख दिया बच्चों, तो साइन जो है ना वो उल्टी करता है, साइन क्या करता है, उल्टी कर देता है। उल्टी करने का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टी करने का मतलब ये होता है कि साइन जो है आउटपुट में नेगेटिव देगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस 90 रखा तो वो माइनस 90 दे देगा, और माइनस 90 का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 यानी कि 0। आगे सोचते सपोज आपने 180 रख दिया, तो साइन 180 कोई दिक्कत नहीं है, 0 देगा। लेकिन अगर मान लो आपने माइनस 180 रखा, सर माइनस 180 भी तो 0 ही देगा, तो 1 माइनस 0 0 ही होगा। तो इसका ये भावार्थ निकल के आता है, अगर आपको साइन का ग्राफ याद हो बच्चों, साइन का ग्राफ आता हो, तो ये साइन का ग्राफ है जिसकी हाइएस्ट वैल्यू एट ऑल टाइम हाई, हाईएस्ट 1 हो सकता है, एंड जो लोवेस्ट है वो -1 हो सकता है। यानी कि अगर आप साइन की कोई भी वैल्यू लाके रखो यहाँ पे, तो वो हाईएस्ट से हाईएस्ट 1 देगा, 1 देने का मतलब क्या है, 1+1 2 होगा, वो लोवेस्ट से लोवेस्ट -1 देगा। तो जिस दिन भी आपने यहाँ पे रख दिया -1, तो वो 0 हो सकता है, वो 0 से नीचे नहीं जा सकता है, यानी कि सर 0 से नीचे इसका डेरिवेटिव किसी भी केस में नहीं जाएगा, और अगर बच्चा किसी भी केस में नहीं जाएगा तो तुम्हारे वो इंक्रीजिंग है। लेकिन लिखे कैसे ना सर, ये तो ग्राफ से आपने बता दिया, इसको लिखे कैसे बच्चों? तो लिखने का तरीका अभी जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया उससे समझते हैं लिखने का तरीका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लिखने के तरीके को देखते हैं। सो बच्चों हमारे पास साइन है, ये साइन, क्योंकि मुझे पता है सर -1 से 1 के बीच में होता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। अब साइन के साथ 1 चाहिए, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, सर यहां भी ऐड कर दिया, और यहां भी ऐड कर दिया, और यहां भी ऐड कर दिया, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि सर ये 0 है, ये 1+ sin है, और यहां पे 2 है। यहां क्या ही हो, मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को एक चीज से लेना देना था, सर ये मेरा डेरिवेटिव है जो कि बड़ा है 0 से, कहानी खत्म। सिंस ये बड़ा है, सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ है फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए, और बच्चा लोग क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट, हो गया, कोई दम नहीं है सवालों में, लिटरली दम नहीं है अगर आपका खोपड़ा चलता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम, बस। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, टिल क्वेश्चन नंबर 8 सारे क्वेश्चंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनोसिटी पे बेस्ड है, लेकिन इसके आगे के जो सवाल है जितने भी क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा के हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। महाचिंदी है, 5 स्टेप याद कराऊंगा, 5 स्टेप में आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सो बस इस लेक्चर को फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, काफी ऑलरेडी बड़ा वीडियो हो चुका है, नियर बाय 1 आवर्स, इसको पढ़िए अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। बाय बाय।